किस्मत इंसान को दूसरा मौका ज़रूर देती है और आपको भी आपकी किस्मत एक मौका दे रही है। कल अमावस की रात है और ठीक 12 बजे वो पल आ जाएगा जो 26,000 सालों में सिर्फ एक बार आता है। उस अमावस की काली रात में सारी अच्छी ताकतें कमज़ोर हो जाती हैं और शैतानी ताकतों का काला साया पूरी दुनिया पर छा जाता है और हमें उसी काली रात में उस बच्ची की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन उससे पहले आज रात ही आपको उस बच्ची को वहाँ से चुरा कर लाना होगा। उस बच्ची की कुर्बानी हमें हमारी सारी ताकतें दिलाएगी। लेकिन अगर आपने अपना मकसद पूरा नहीं किया तो नहीं, जिनकी जिंदगी उनकी मकसद बन जाए वो कभी हारते नहीं है। आज मेरी ही जीत होगी। अमाद, और अगर आप हारे तो आप अपनी जिंदगी हार जाएंगे, आपको जिंदा जलाया जाएगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसेस, ये तुम्हारे अम्मी अब्बू जो है ना बहुत ही बोर टाइप्स के। यहाँ देखो ना, हम खुशी के मारे नाच रहे हैं और ये दोनों चुपचाप खड़े हैं। प्रिंसेस, अब तुम ही इन्हें कहो कि आखिर डांस करें। हाँ चलो ना, बोलो ना, बोलो ना छोटी मुन्नी, बोलो बोलो अपने अम्मी अब्बू को कि वो भी आकर हमारे साथ ठुमके लगाए। हाँ, ठुमके। मायरा, फिर से निकाह कर ले। कितने निकाह करूँ मैं, जब तलाक ही नहीं हुआ तो फिर से निकाह क्यों करें? मेरा बस चले तो मैं 100 बार निकाह करूं, पर हर बार तुम ही से। अरे मैं कुछ भूल गया। क्या हुआ? मैं अभी गया और अभी आया। हाय अल्लाह, ये मेरे डांस से डर गए क्या? कैसे निकल लिए? ये देखो। या अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुंदर है। चलो बेबी को बिठा देते हैं प्रेम। मैं रखती हूँ। जल्दी रखो। ओह नो माय प्रिंसेस, अनना, हेलो, ये मेरी प्रिंसेस बैठ गई। सो ब्यूटीफुल। चलो चलो, अब ये सब हो गया, अब हम चल के खाना खाते हैं। अरे हाँ, हमें ना आज तुम्हारे लिए बहुत वो बनाया हुआ है। स्पेशल खाना। चलो चलो खाते हैं। अरमान, I'm sorry. मैं बच्ची को लेके इतनी प्रोटेक्टिव हो गई थी कि मैं आपके ऊपर भी नाराज हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको पता है अरमान, मैं आपकी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे हौसला मिलता है। इस बात की तसल्ली मिलती है कि जब तक आप हैं हमारे साथ, हमें बुरी नजर छू भी नहीं सकती। और जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना, तो खो जाता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे और हमारी बच्ची से जुड़ी हुई है। शायद से भूख लगी होगी, मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ।
चलो घूमने चलेंगे। बेबी घूमने जाते हैं। कम कितने दिनों बाद इस घर में खुशियां वापस आई है। देखना अब इस घर में कोई मुसीबत नहीं आएगी। हाँ अरमान, 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 कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपसे कहा था ना दूध लेके। अरे थोड़ा सा वक्त लग गया, ये लेने गया था। क्या लेने? कितना मस्त है ना? बेबी कहाँ है अरमान? बेबी मेरे पास। अरमान आप थे ना बेबी के साथ जब मैंने आपसे कहा था कि मैं दूध लेके आ रही हूँ? नहीं मैं तो अभी आ रहा हूँ वापस। मतलब अभी आ रहा हूँ? अरमान थोड़ी देर पहले आप प्रैम लेकर आए थे हम सबके सामने। हमने बेबी को प्रैम में बिठाया, खाला लतीफ किचन में चले गए, मैंने आपसे कहा मैं दूध लेके आ रही। मायरा मैं अभी आ रहा हूँ डायरेक्टली। तो फिर वो कौन था? अरमान मैंने अपनी बच्ची आपके हाथ में दी थी। मायरा मैं वो नहीं था। कौन था वो अरमान? क्योंकि वो आपके जैसा दिखता था। सबके सामने मैंने बच्ची उसे दी थी। आपने कहा था कि आपके होते हुए मुझे मेरी बच्ची को कोई खतरा नहीं। अब कोई आपका चेहरा बदल के मेरी बच्ची मुझसे छीन के ले जाएगा तो मैं क्या करूं? अरमान मुझे मेरी बच्ची चाहिए, जहां से मर्जी उसे ढूंढ के लेकर आइए। कौन लेके गया मेरी बच्ची को? कौन था वो? कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, मैं लेके आऊंगा उसे। मुझे मेरी बच्ची अभी चाहिए मेरी आंखों के सामने। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना अरमान मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बोल रही हूं अरमान सारा काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ वो चिप आपके पास है? और पैसे? ये पूरे नहीं। जानता हूं बाकी के पैसे काम होने के बाद। ओके लेकिन बॉडी डिलीवर होने के बाद? चिंता मत कीजिए सर, काम हो जाएगा। मैं भी आता हूं। अभी तक अमद आए क्यों नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस बार भी नाकामयाब रहा? नहीं अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमद नहीं हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ अमद नहीं उस बच्ची के अंदर हमारी किस्मत छुपी हुई है और अगर किस्मत दगाबाज निकले तो सब खत्म हो जाता है। देखो उजाला अंधेरे के गिरफ्त में आ ही गया। ये निशान वाली बच्ची अब हमारे पास है, हमारी जिंदगी हमारे पास है। अमाद
आपने अपना वादा पूरा किया, आप शैतान के वफादार निकले। अब सिर्फ 24 घंटे हैं हमारे पास। इन 24 घंटों में अंधेरा पूरी दुनिया पर छा जाएगा। अमार, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब भी आपका एक इम्तिहान बाकी है। उजाले पे असली जीत तभी हासिल होगी जब अंधेरा उस पर पूरी तरीके से हासिल हो जाएगा। इस बच्चे के अंदर की खुदाई ताकत के लिए उसे शैतान बनाना होगा और फिर बाद में उसकी कुर्बानी दी जाएगी। ये कोई आसान काम नहीं है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई से हमेशा मात खा जाती है। लेकिन इस बार आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अच्छाई किसी भी तरीके से बुराई पर हावी ना हो। फोन क्यों किया था? अगर काटना था तो वापस कॉल करती। तुम्हारे मोबाइल में मैंने अभी अभी एक वीडियो भेजा है। आप कौन बोल रहे हैं? देख लिया? क्या चाहिए तुम्हें? जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान को सिर्फ फरिश्ते ही बचा सकते हैं। तो तुम मुझे फरिश्ता बुला सकती हो, और वैसे भी मेरी मदद की बहुत जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें। ना तो आजकल इंसान का भरोसा होता है ना फरिश्ते का। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं असलम हूँ, समीर का ड्राइवर। उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए और मांगने पर सबके सामने जलील किया। मुझे अपना बदला चाहिए और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी। और तुम्हारी जिंदगी की कीमत है 15 लाख। क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मत करो मेरी मदद। समीर से तो मैं निपट ही लूंगी और मैं उसे बता दूंगी कि तुम उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो। जो इंसान अपनी बीवी को मारने की साजिश कर सकता है, उसके लिए अपने पुराने ड्राइवर को मारना कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तुम मुझे कितने पैसे दोगी? मैं तुम्हें 8 लाख दे सकती हूँ। मुझे मंजूर है। PMT पार्क के पीछे वाला जो स्लम एरिया है, वहां पर आकर मुझसे मिलो, रूम नंबर 117 में। या अल्लाह, मैं इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकती। मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं इतना बड़ा इम्तिहान कैसे दे दूँ? मैं जानती हूँ आप मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मेरे मौला, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, उसके बदले में कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ मैं। बस मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। कोई हमसे हमारी बच्ची नहीं छीन सकता। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूं। लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं? ये शैतानी ताकत है, मेरी अम्मी की तरह। और शैतानी ताकत से लड़ने के लिए इंसानी तरीके काफी नहीं। मुझे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो इन्हें हिलाकर रखते हैं। वरना डर है कि अपनी बच्ची के साथ साथ कहीं मैं मायरा को भी ना खो दूं।
मैंने ये पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहां? मुझे किसी भी तरह उस जगह पहुंचना ही होगा जहां ये शैतान है। मैं मायरा को दिया वादा जरूर पूरा करूंगा, मैं हमारी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा। हेलो। बहुत सही, आ गई हो ना? थोड़ा और आ गया। कमरे में तुम्हें एक लाल कलर का बॉक्स मिलेगा। होल्ड करो, देखती हूँ। समीर, तुमने ये साबित कर दिया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तुमने बहुत गलत चाल चली, क्योंकि इस बार तुम अपनी ही चाल में फंसने वाले हो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझे? चुपचाप खड़ी रह, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझी? देखो तुम ये गलत कर रहे हो, इसे हटाओ। चुप, हटाओ तुम। हिलना मत। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि एक गलत जवाब तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकता है। तुमने मुझे इस विराने में इसलिए बुलाया ना ताकि तुम मुझे मार सको, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी यहाँ लाश भी नहीं मिलेगी। बोलो, सच सच बोलो। ये सब कुछ समीर ने किया, उसी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा कर तुम्हें मारने के लिए चाल चली थी। अमाद, अब इस बच्ची को इस निशान पर रखिए। अब इस खंजर से बच्ची के पेशाने पर शैतान का निशान बनाइए। Hey!